हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना राजू भाई और आपके सामने लेकर आए हैं N160 फुल मॉडिफिकेशन, फुल लोड है, जो कि देखने में आपको लुक दिखाई दे ही रहा हो क्या किलर लुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेंटर लॉकिंग से, बाकी सब बाद में, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। फिर ये सेंटर लॉक है, सेंटर लॉक का जो यूज़ है वो बेसिक यूज़ है, डबल प्रेस करते हैं, देख ज़िगज़ैग का निशान है। ये गाड़ी होती है स्टार्ट आपकी, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो आपकी, ये होगी आपकी स्टार्ट। और बंद करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें अनलॉक का बटन दिया गया है, इसे आप अनलॉक करेंगे तो हो जाएगी बंद। और एक सिस्टम और है जो कि बहुत ही अच्छा और बेहतरीन दिया हुआ है, जब आपने इसका लॉक लगा दिया है तो लॉक लगने में कोई भी गाड़ी टच करेगा, छेड़ेगा, कुछ भी करेगा तो ये आपका सायरन बजने लग जाएगा। और इसको भी आपको अनलॉक करने के लिए सिंपली आपको ये अनलॉक करना है। ये हो गया आपका इसके दो पैटर्न, थर्ड पैटर्न जो है वो है इसका अलार्म का। जैसे गाड़ी कहीं भी पार्क वगैरह में, पार्किंग वगैरह खड़ी करते हैं तो पार्किंग वाले क्या होता है, आपने खड़ी कर दो इस कोने पर, बट वो करते हैं उस कोने पर, आपको पता ही नहीं अपनी गाड़ी कहाँ, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ये सिंपली एक बटन लगाना है लॉक के लिए। अभी तो ही बजने लग गया, ये आपका सायरन का बटन है, कभी भी आपको इसको एक्टिवेट या एक्टिवेट कर दीजिए, आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। और सेम है दोनों, ये भी और ये भी, दोनों एक ही तरीके के रिमोट दिए गए हैं इसके अंदर, वैसे और भी डिजाइन आते हैं इसके अंदर, फिलहाल ये वाला लगा है इसके अंदर। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका फ्रंट से। फ्रंट में जो सबसे बेहतरीन डीकल्स लुक जो दिखाई दे रहा है, डीकल्स लुक से कह रहा हूँ क्योंकि डीकल वैसे डीकल्स नहीं है, बट इसका जो ट्रांसफॉर्मर डीकल लुक जो दिया होगा वाइजर से, आप देख सकते हैं क्या कलर लुक नज़र आ रहा है आगे से, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद मेरी थी, भैया की नहीं थी, भैया ने सिर्फ वाइजर लगवाया है, डिज़ाइनिंग मैंने अपने आप करवाई है खुद, तो काफ़ी अच्छी लग रही है डिज़ाइनिंग, इधर भी और ये साथ में वाइजर भी, पूरा ऊपर से नीचे तक लुक जो है वो रोबोटिकल लुक नज़र आ रहा है इसके अंदर। उसके साथ ही नीचे हम दिखाएंगे तो नीचे रिंग, ये रिंग लाइट्स हैं, ये वाइट कलर की रिंग लाइट है, इसमें कलर और भी बहुत सारे आते हैं लेकिन इसके अंदर वाइट कॉन्सेप्ट में हमने लिया गया है, तो वाइट भी काफ़ी अच्छी लग रही है नॉर्मल वेव के अंदर। और साथ में इसमें दिखाएं आइस डिज़ाइनिंग, थोड़ा क्लोज करें, ये आइस डिज़ाइनिंग है, ये देखिए ये आइस नहीं है, ये प्रॉपर आइस है, आइस मतलब आँखों का डिज़ाइन दिया गया है। ये अपनी चॉइस होती है, जैसे कस्टमर को चाहिए सेम उसी पैटर्न के अंदर ये बना दी जाती है। और ये जो नंबर प्लेट आपकी जो फिट थी वो ऊपर फिट होती है वैसे, लेकिन इसकी फिटिंग हमने कर दी नीचे, और वो जर्मन फ्रेम के साथ, कोई इसमें एक्स्ट्रा अल्ट्रेशन जुगाड़ नहीं है, फ्रेम आपका वही वाला है कंपनी वाला, ऊपर से उतार के नीचे इजी फिट कर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे दिखाएंगे आपको फॉक्स लाइटर, जो कि काफ़ी हैवी है, बुलबुल के बच्चे इसका हमने नाम रखा हुआ है, और बहुत ही हैवी है इधर भी और इधर भी। इसका जो मेन यूज़ है वो हर बार हम बताते हैं कि शॉकर की सेफ्टी के लिए होता है, इससे अगर कोई गाड़ी टूटती है, टक्कर लगता है, कुछ भी होता है या गिर भी जाते हैं तो शॉकर आपका हो जाता है सेफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और इस तरफ में डबल फायदा होता है इसका, डबल फायदा ऐसे कि शॉकर तो सेफ है ही है, साथ में डिस्प्लेट है, ABS प्लेट है, ये सारा भी हो जाता है इससे सेफ, तो ये हर गाड़ी में हम इसीलिए लगाते हैं, कस्टमर की चॉइस भी होती है और ये लुक भी कुछ ज़्यादा इनहेंस हो जाता है इससे। उसके बाद नीचे आएंगे तो दिखाएंगे आपको फॉग लैम्प, जो कि विद हार्नेस के साथ लगा, HJG की हार्नेस लाइट के साथ आपको दिखाते हैं इसकी रोशनी, ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी रोशनी है कुछ इस तरीके से, येलो वाइट और हैज़ार्ड भी है इसके अंदर, ये देखिए पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं अलग अलग तरीके से, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर, और यही पैटर्न सेम येलो में भी होते हैं, ये देखिए, और येलो वाइट भी है, आगे दिखाइए, यह येलो वाइट का भी पैटर्न है इसके अंदर, येलो वाइट में ब्लिंक है आपका, और नॉर्मल येलो में भी सब कुछ है, तो ये सारे पैटर्न होते हैं इससे एक्टिवेट, वो आपका हार्नेस की जो पूरी फिटिंग है उसके साथ में जो बटन है इससे एक्टिवेट होता है, दिखाएंगे बटन ज़रा, ये देखिए ये बटन है इसका हार्नेस वाला, जो पूरा कंप्लीट कॉम्बो आता है इसका हार्नेस के साथ, और बंद करें सिंपली कुछ नहीं, पुश करोगे बंद हो जाएगा। तो ये थी आपकी फ्रंट की मॉडिफिकेशन। और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो दिखाते हैं आपको बर्गबस्टर के हैंडगार्ड, जो कि इस पर भी डिज़ाइनिंग की गई है, बर्गबस्टर के अनब्रेकेबल वाले हैंडगार्ड। हैंडगार्ड का जो यूज़ है वो नॉर्मली ये होता है कि हैंड आपके होते हैं सेफ, और हैंड के साथ साथ आपके जो लीवर्स होते हैं, ये लीवर भी होते हैं प्रोटेक्ट, ये देख सकते हैं हम लीवर, ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और मेटल रॉड के साथ है आपका, ये पूरी मेटल की रॉड है आपकी, इस तरफ भी और सेम इस तरफ भी। और टच कुछ दिया गया है इसका भी वही वाइट एंड रेड के अंदर, जो कि कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको दिखाते हैं, ये है मिरर, कार्बन फिनिश के अंदर मिरर है, लाइट वाला इंडिकेटर मिरर है आपका, इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ लाइट जलती है, आपको दिखाता हूँ जला के, ये देखिए ये आपका इधर भी इंडिकेटर चल रहा है और आपका इधर भी इंडिकेटर चल रहा है, दोनों तरफ इंडिकेटर जलते हैं इसके अंदर। राइडिंग करते हुए काफ़ी इजी राइड हो जाती है, कि राइडिंग करने वाले बंदे को ये नहीं पता होता कि मैंने राइट का चलाया है, लेफ्ट का चलाया है,
तो ये आपको मेंशन करेगा आपने राइट में जलाया लेफ्ट में जलाया। अब लेफ्ट जलाएंगे तो लेफ्ट का जलेगा, अंदर भी और बाहर भी, और ऐसे लेफ्ट जलाएंगे तो लेफ्ट का, सेम आपका प्रोसेस दोनों तरफ है। और इसमें एक और बेहतरीन चीज़ है हैज़ार्ड, ये देखिए ये इसके हैज़ार्ड है। राइट लेफ्ट पुश करेंगे पैटर्न हो जाते हैं चेंज इसके अंदर, और हैज़ार्ड का जो पैटर्न है वो 20-30 पैटर्न मिलने वाले हैं 1 ईयर गारंटी के साथ। और उसी के साथ में आपको लगाएगा इंडिकेटर के बल्ब जो कि सिमटेक के ओरिजिनल 3 साल की गारंटी के साथ, इधर भी और बैक साइड में भी। ये दिखे रोशनी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जो नॉर्मल जो बल्ब होता है हैलोजन, हैलोजन की रोशनी इतनी नहीं होती है, इसकी रोशनी काफ़ी विजिबल होती है, दूर से चलने वाले राइडर को भी पता लग जाती है, आगे वाले को पता लग जाती है, तो उस केस में ये काफ़ी ईजी राइड कर लेता है। और फॉग वगैरह में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि फॉग के अंदर क्या होता है कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, फॉग में चारों इंडिकेटर एक साथ जलता है तो आगे और पीछे दोनों को पता है कि आगे भी हमारा कन्वेंस चल रहा है और पीछे भी पता है पीछे भी आगे को चल रहा है। तो ये हुई आपकी ऊपर की। और अब दिखाते हैं ये मोबाइल होल्डर। ये मोबाइल होल्डर रोबोटिकल डिज़ाइन के अंदर दिया गया है और काफ़ी हैवी है, बहुत ही हैवी इसकी फिटमेंट है, और आप देख सकते हैं। और ये ना मूव भी नहीं करता, फ़ोन जो है ना फ़ोन आपका वाइब्रेट करता है, हिलता है, कुछ भी तो आवाज़ करता है, ना ही आवाज़ करेगा, ना ही हिलेगा, और ना ही आपके फ़ोन को करता है डैमेज। ये पूरा पकड़ के जकड़ देता है, ये देख रहे हैं ये कांटे, ये पकड़ गया तो समझो जकड़ गया, ये ऐसी चीज़ है। और उसके साथ में आपको दिखाता है स्क्रीन गार्ड, मीटर पे लगाया गया इसका मीटर का स्क्रीन गार्ड जो कि प्रॉपर इसी की फिटमेंट के साथ है। स्क्रीन गार्ड से क्या होता है, जो आपका मीटर पे जो निशान होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते, मीटर पे निशान बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि जिन्होंने नई गाड़ी ली है और वो गाड़ी राइड कर रहे हैं तो उस पर क्या चाबी वगैरह लग गई या कुछ भी चीज़ मीटर होता ख़राब, और ये ख़राब होने के बाद फिर नया बहुत महंगा लगता है, खाली शीशा इसका लगता नहीं, तो इसके लिए चाहे लेमिनेशन करा ले, अगर टेम्पर्ड किसी नहीं है तो, और टेम्पर्ड तो मच बेटर है टेम्पर्ड का। उसके बाद साथ में दिखाते हैं आपको ये मास्टर सिलेंडर कैप जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी की लगाई गई है इसके अंदर, रेड एंड वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ है आपकी। और मास्टर सिलेंडर का जो बेसिक यूज़ है वो ये होता है कि आपका जो ये होता है ना MC कैप, ये आपकी पूरी सेफ हो जाती है और साथ में लुक को कर देते हैं काफ़ी इनहेंस, तो ये इसका यूज़ होता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड आप देख सकते हैं हैवी क्वालिटी के अंदर प्रॉपर फिटमेंट के साथ और कभी ना ख़राब होने वाला। और सबसे बढ़िया बात इसके अंदर जो होती है वो होता है कि गाड़ी आपकी गिर भी जाती है ना तो गिरने के बाद गाड़ी हो जाती है फुल सेफ, गाड़ी हो जाती है फुल सेफ, क्योंकि ये प्लास्टिक का पार्ट होता है सारा, और जब गाड़ी गिरती है तो ये सबसे पहले डैमेज होता है। इधर भी प्लास्टिक का दिया गया है और उधर भी प्लास्टिक का दिया गया है, तो ये पूरा सेफ कर देता है आपके टैंक को और टैंक के कवर के ऊपर को, ये दोनों चीज़ें होती हैं आपकी सेफ। और उसके बाद आपको दिखाते हैं हॉर्न। हॉर्न इसमें आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, हमने नहीं लगाए, पहले से भैया लगवा रखे हैं राजस्थान से। ये हॉर्न की साउंड है इसकी, ये लोकल है, इसमें ओरिजिनल से ओरिजिनल मिल जाते हैं इसके, मिंडा हो गया, हेला हो गया, या फिर आपका क्या नाम है बॉश हो गया, किसी भी कंपनी का आपको हमारे पास ये मिल जाते हैं। और ऊपर दिखाएंगे टैंक के अंदर ये लगाया गया टैंक पैड, टैंक पैड भी वही कॉम्बिनेशन के साथ है, ब्लैक ग्रे रेड ये टैंक पैड। टैंक पैड का यूज़ जो है जब आप बैठते हैं तो क्या होता है इसका जो बैठने के बाद ना जो बेल्ट वगैरह होती है ये यहाँ पर टच हो जाता है राइड करते हो, तो उस पर टैंक पे आता निशान, और उसको निशान को कवर कर, कवर किया मतलब निशान ना आने के लिए ये लगाया गया टैंक पैड। और साथ ही में थाई पैड, ये थाई पैड भी उसके अकॉर्डिंगली दिया गया कि आपके थाइस वगैरह से आपकी ये ख़राब ना, टैंक का कोई भी पार्ट आपका ख़राब ना हो, तो आपका ऊपर भी सेफ और साइड भी सेफ, ये हो गया पूरा सेफ, टोटल सेफ। और एक इसमें लगाई है मास्टर सिलेंडर का रियर, जो कि आप देख सकते हैं कुछ लुक कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। और इसका भी वही यूज़ है कि इसका जो प्लास्टिक पार्ट होता है वो जाता है सेफ, क्योंकि प्लास्टिक का पार्ट होता है उसे सेफ करने के लिए अगर हम इसे लगा देते हैं ना तो समझ लो आपका ये पूरा सेफ हो गया, पूरा प्लास्टिक बॉडी कंप्लीट सेफ। उसके बाद ऊपर दिखाएंगे ऊपर आपका टॉप रैक जो कि कुछ बेहतरीन फिटमेंट के साथ आपको दिखाया गया। ये टॉप रैक है, साथ में बैक रेस्ट लगाया गया प्लेन राइडर को कंफर्टेबली राइड करके, राइड जो करता है उसके साथ में बैठने के लिए, उसको सेफ तरीके से यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो पीछे बैक होता है ना जब गाड़ी राइड करते हुए गाड़ी को झटके होते हो कुछ भी होता है पीछे प्लेन राइड गिरने का खतरा होता है, तो बैक रेस्ट लगाने के बाद वो हो जाता पूरा सेफ, बंदा ही सेफ हो गया। अब तो गाड़ी सेफ की बात है, बंदा भी सेफ हो गया, इसे लगाने का बेनिफिट सबसे बड़ा है। और उसके इधर आइए, इधर दिखाते हैं आपको लेडीज़ फुटरश। ये लेडीज़ फुटरश प्रॉपर फिटमेंट के साथ है इसका, N160 N250 ये पूरा सभी के अंदर फिट होता है। और बैठने के बाद ये ज़रूरी है लेडीज़ वगैरह के, लेडीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ है क्योंकि बैठने के बाद थोड़ा कंफर्टेबल से बैठ सकते हैं लेडीज़, तो आपकी माताएँ बहनें या कोई भी आप इस पर बिठा सकते हैं। और उसके बाद नीचे दिखाते हैं आपको साइड स्टैंड जैकेट। इस साइड स्टैंड जैकेट का बेसिक जो यूज़ है वही होता है कहीं भी आपकी गाड़ी गड्ढे में या किसी चीज़ में या मिट्टी में रेत में पानी में किसी भी चीज़ आपने खड़ी कर दी ना तो ये अंदर घुसने वाला नहीं है, ये पूरा इसको बचा लेगा,
तो इस केस में ये लगाना ज़रूरी होता है हर गाड़ी के अंदर। और एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाते हैं, ये है गियर शॉक्स। गियर शॉक्स का जो यूज़ होता है वो सबसे पहले ये होता है कि आपका जो शूज़ है, शूज़ का कलर वाइट हो, ब्लैक हो, रेड हो, ब्लू हो, कोई से भी कलर हो, ये कर देता ब्लैक। अगर ये नहीं लगा हो तो ये जो पंजा है ना आपका, इसकी वजह से ब्लैक, तो ये उसको सेव करता पूरा। तो ये भी ज़रूरी है, सारी जरूरत नीडफुल वाली चीज़ इसके अंदर लगाई गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर आके हुआ थी हमारी वीडियो कंप्लीट। और उसके बाद हम बुलाते हैं भैया को, जिनकी भैया की बाइक है। ये भैया कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो उनसे पूछते हैं और बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे पास आकर। आइए भैया। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप, और आप कैसे आए, कहाँ से आए, और किस तरीके से आए, और किस ब्याह पे आ रहा है, ये बताइए। राजस्थान से आया, आपकी वीडियो देखी थी। तो SKD बाइक वर्ल्ड की जो वीडियो है हमारे, ये मेन हमारा वो है, ये तो मेरा छोटा मोटा चैनल है, ये तो मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा, क्योंकि जब रात में कोई ज़्यादा रात हो जाती है तो जब से टाइम दिखाता हूँ, देखो टाइम बज रहे हैं रात के 11:05, तो ये वीडियो का टाइम है जो बन रही है रात में। तो रात में क्या है, सिकंदर भाई तो होते नहीं है, तो मैं प्रेजेंट आता हूँ, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि कस्टमर दूर से आए तो उनका वीडियो बना लूँ पूरा। तो बताइए भैया, फिर आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर, आप आने के बाद काम कैसा लगा, और हमारा बिहेवियर कैसा लगा, और ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हमारा? सबसे पहले तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि आज में हमारी बाइक हो जाएगी। आप कितने बजे आए थे आप? हम आए थे यहाँ पे 8:30। ये वैसे 8:30 आए थे, 2 बजे भाई साहब ने बोला था कि दुकान बंद होती है, पर मैंने इनको बोला कि दूर से आते हैं तो दूर से आते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि आप तो आज कंप्लीट करके देंगे। तो इसलिए सब पूरे स्टाफ को उन्होंने रुकाया है, और पूरा स्टाफ भी इतना फ्रेंडली है कि सब लोगों ने मिलकर आज में बाइक तैयार करके दे दी। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि कोई दूर से आता है हमारा भाई, तो हम नहीं चाहते कि वो निराश हो। हम मान लो होटल्स वगैरह करते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये होटल में भी खर्चा हो जाता है, अगर वो हमें पता है कि हम कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है यार, ये तो कुछ भी नहीं यार, हम तो 12-1 भी तो बैठ सकते हैं। आप लोगों के लिए, आप लोग दूर से आते हो तो हम देते बैठ भी सकते क्या? तो ये भाई आए, और भाई रास्ते में रुक गए थे इसलिए लेट हो गए। इन्होंने, मैं दिखाता चाहता हूँ, इधर आइए। इन्होंने भैया ने लेमिनेशन कराई है जो स्मोक की है, बड़ी बहुत ही वाहियात कराई, जहाँ से भी कराई है अब देख सकते हैं, बहुत ही वाहियात है। ये सारे बॉर्डरिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, बताना भूल गया था मैं, ये हमने नहीं किए, इधर कहिए। ये भैया बाहर से कराया, और क्यों कराया ये भाई बताएंगे, इसका काम क्यों कराया वैसे आपने, बाहर से बताएंगे। भाई साहब बीच में रुक गए थे हम, तो हमने सोचा कि हिसार रस्ते में पड़ता तो वहाँ से करवा लेंगे, वहाँ पे देखते हैं। तो वहाँ पे हमने पूछा कि भाई ये काम करवाना है, तो उन्होंने लेमिनेशन स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने पूछा कि आपके पास और एक्सेसरीज है क्या, उन्होंने बोला कि वो तो दिल्ली में मिलेगी। फिर भाई साहब को सुबह फ़ोन किया हुआ था, तो हम सीधा यहाँ पे आ गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितने पैसे हम सोच के आए थे, उससे लगभग ऐसे मान लो कि 70-80% ही लिए उन्होंने। अब इसका टोटल बजट बता दीजिए कि आपका गाड़ी में जो टोटल बजट लगा, आप तो ले चुके हैं हम आपसे पैसे वगैरह, तो आप बता दें कि टोटल आपका कितना लगा इस गाड़ी का? टोटल बजट लगा मात्र 23,500 रुपये। ये भाई साहब का बजट लगा है, और साथ में भाई साहब हमसे गिफ्ट लिया है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। दिखाना है भाई साहब, ये हमारी तरफ से ही है, वैसे दिखाओ यारा, क्योंकि जो दूर से आए और फिर गिफ्ट ना दें, पैसे तो अलग बात होती है लेकिन गिफ्ट भी ज़रूरी होता है। दिखाओ भाई साहब ज़रा। तो ये कुछ 100% गूगल है, ये भैया को मैंने पहले दिखाया था स्टार्टिंग में, बेचने का रेट का 1,000 रुपीज़ का है, लेकिन जो जर्मन कस्टमर होता है, मैं जर्मन इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया ने किसी चीज़ का अपने पूछा, भैया ने कहा जो मैंने देखा है, कहा मुझे सारा वो काम चाहिए, भैया ने सारा वो काम कराया है। और ये कुछ गिफ्ट है जो हमने भैया को अपनी तरफ से दिया है, छोटा सा, इसमें आपकी शेड्स भी आती हैं, ये आपका है ब्लू कलर का, इसमें काफ़ी सारी शेड्स उसके अंदर, 2-3 शेड इसके अंदर आती है, लाइक ट्रांसपेरेंट हो गया या फिर येलो हो गया, ये इसके साथ में आती है। अगर किसी भाई को आप मंगवाना हो तो कुरियर कर सकता है, और अगर वो दिवाली के टाइम पर आते हैं तो भाई साहब काम कराओ, गिफ्ट भी दे देंगे। तो भैया काम कंप्लीट हो चुका है, अब आपको ये बताइए कि अगर कोई आना चाहे हमारा व्यूअर, तो आप क्या कहेंगे, क्या रिकमेंडेशन करेंगे? मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि यहाँ पे आओ और इनको छोड़ दो भाई, ये जो करेंगे वो बेस्ट होगा आपके लिए, इससे ज़्यादा रिकमेंड कुछ नहीं करना। तो वीडियो आपने देख ली, रिव्यू आपने देख लिया, अब करना क्या है आपको, सीधा आना है शॉप पर, विजिट करना है शॉप हमारी दिल्ली करोबाग नाइवलन के अंदर, जो कि आर्य समाज रोड पर भी है हमारा जो मेन गेट है, और बैक साइड में 36 नंबर गली है, 51 नंबर गली पर भी हमारी शॉप है, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9911529266 और 8800-5657-97, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड नाइट, जय श्री राम।